नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती नियमावली के बारे में। उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती नियमावली को बनाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये फाइनल नहीं हुआ है। इसका एक प्रपोजल रखा गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो आपको जानकारी होना चाहिए अगर आप CITS के हैं या अनुदेशक भर्ती का तैयारी करते हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप अगर आप बिहार से हैं और CITS किए हुए हैं तो 23 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अनुदेशक बहाली को लेकर। आप उसमें सम्मिलित अवश्य हो जाएं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता चल रहा होगा, जो मेरा फेसबुक ग्रुप है इसमें भी बहुत सारे बच्चे इस बात का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जो आपके मित्र लोग हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, और क्योंकि घर में बैठने से सरकार ये नहीं सुनने वाली है, क्योंकि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं फिर भी बहाली नहीं आ रही है। फिर गेस्ट इंस्ट्रक्टर का बहाली निकाला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ड्राइंग का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का। अगर धरना में शामिल नहीं होंगे, अपने संख्या बल को नहीं दिखाएंगे तो सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी। इसलिए बिहार के समस्त CITS किए हुए युवाओं से निवेदन है कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा जरूर बने, और अधिक जानकारी के लिए आप जो भी CITS का व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें जुड़ जाइए। लिंक डाल दूंगा जहां से आप जुड़ सकते हैं, और जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं कि 23 मार्च को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें कहां आना है और क्या करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती नियमावली के बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ प्रमुख बातें हैं इसमें जो मैं बता देता हूं। पहला यह है कि इसमें CITS को अनिवार्य नहीं किया गया है, जबकि DGT का जो रूल था, गाइडलाइन था, उसके अनुसार 2021 तक हर ITI में 100% CITS होल्डर होना चाहिए। जबकि इस नियमावली के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म भर सकता है जो CITS नहीं भी किया है। तो ऐसे में CITS नहीं लागू करना CITS करने वाले के साथ नाइंसाफी है। तो CITS इसमें 100% लागू होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान सरकार को देना चाहिए इस पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ये जो लेटर है लिखा गया है निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन के तरफ से, ये लेटर लिखा गया है। किसको लिखा गया है? और सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को। और ये नियमावली का प्रपोजल भेजा जा रहा है किसके पास? व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग है उसके पास, कि ये नियमावली हम लोग बना रहे हैं। इसमें नियमावली में ये अनुदेशक बहाली का नियमावली है, इसको देखा जाए और इससे में जो भी गलतियां हो या इसे पारित किया जाए, इसके लिए ये लोग लेटर लेके इस विभाग के पास भेज चुके हैं। और इस लेटर में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं अनुदेशक नियमावली 2021 के बारे में, जो यहाँ पे इस कॉलम में बताया गया है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब इसमें प्रमोशन से ऐसा कुछ करके बाहरी नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। उसके लिए नीचे लिखा गया है कि BTech डिप्लोमा के लिए 50% सीटें रहेंगे और ITI के लिए CITS के लिए 49% रहेंगे। मतलब BTech डिप्लोमा के लिए कितना रहेगा टोटल सीट का? 50%। और जो ITI क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके लिए टोटल सीट का 49% रखा जाएगा। इसके बाद एक % जो सीट बचेगा उसको प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। जो प्रमोशन होगा उसमें वर्कशॉप अटेंडेंट, स्टोर कीपर वाले जो होते हैं उन लोगों को प्रमोट करके इंस्ट्रक्टर बना दिया जाएगा 1% सीटों पे। इसके बाद इसमें दिया गया है कि फोरमैन के बारे में, फोरमैन समझते हैं इंस्ट्रक्टर के ऊपर वाले जो होते हैं, जिनके अंडर में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर काम करते हैं उनको फोरमैन बोला जाता है। और फोरमैन का जो पोस्ट होगा वो प्रमोशन का होगा, उसमें किसी तरह का कोई बहाली नहीं लिया जाएगा। और इसमें जो प्रमोशन होगा उसके लिए यहाँ पर नियम दिया गया है कि टोटल सीट का, टोटल जो पोस्ट होगा फोरमैन का, उसका 25% BTech डिप्लोमा वालों से भरा जाएगा। और वैसे लोग जो 5 साल सर्विस कर चुके होंगे इंस्ट्रक्टर के पद पे, जो 5 साल सर्विस कर चुके होंगे और BTech डिप्लोमा हो गए, उनको प्रमोशन करके फोरमैन बना दिया जाएगा 25% व्यक्तियों को। बाकी के जो 75% सीट रहेंगे वो ITI के बच्चों को वहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, मतलब जो ITI से इंस्ट्रक्टर बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा 75% सीटों पे। लेकिन उनके लिए कंडीशन ये कि वो 10 साल जो सर्विस कर चुकेगा, मतलब 10 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा नौकरी करने का ITI के बेस पे, तो उनको प्रमोशन करके फोरमैन बनाया जाएगा 75% सीटों पे। इस तरह से यहाँ पे सीटों की संख्या और कौन कौन से पोस्ट पे बहाली होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया एक्सपीरियंस को लेकर कि आपको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्लियर नहीं लिखा गया, लेकिन बताया गया कि DGT के गाइडलाइन के अनुसार ही एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। मतलब ITI के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और BTech के लिए 1 साल एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, जिसमें कंपनी का एक्सपीरियंस और
आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस जरूरी होगा, तो आपके पास कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके पास टीचिंग का होना चाहिए, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड का होना चाहिए, मतलब जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड से संबंधित एक्सपीरियंस आपका होना कंपलसरी है। इसके अलावा अदर किसी तरह का एक्सपीरियंस आपका रहेगा तो मान्य नहीं होगा। अब चलेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन किस तरह से डिसाइड करेंगे लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दोनों को ऐड करेगा मेरिट लिस्ट में। तो सबसे पहले हम समझेंगे एकेडमिक में, एकेडमिक में 10वीं क्लास का टोटल मार्क्स का 20% आपको ऐड करेगा किस में, आपके मेरिट लिस्ट में। मान लीजिए आपका 10वीं में 80% नंबर है, 80% मार्क्स आया है, उसका 20% आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, मतलब 80 का 20% 16 नंबर होता है, तो 16 नंबर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। उसी तरह से टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, किसी के पास डिग्री होगा, मतलब बीटेक होगा, कोई डिप्लोमा होगा, कोई आईटीआई होगा, तो ये तीनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन को आपको मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा और वो भी 20% रहेगा, टोटल मार्क्स का 20%। मान लीजिए आपका डिप्लोमा या बीटेक या आईटीआई में भी 80% है तो उसका 20% मतलब 16 नंबर आपका ऐड होगा मेरिट लिस्ट में। तो इस तरह से दो क्वालिफिकेशन एकेडमिक और टेक्निकल को ऐड करेगा 20-20%। इसके बाद 10% आपका CITS क्वालिफिकेशन को ऐड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। तो मान लीजिए किसी का CITS 80 है, किसी का 90 है, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी का 80% है CITS में, तो उसका 10% ऐड होगा मेरिट लिस्ट में, मतलब 8 नंबर ऐड करेगा मेरिट लिस्ट में। तो टोटल आपको देखें इस तरह से, तो 20% 10th क्लास का टेक्निकल का 20% और 10% CITS का, कुल 50% हो गया। इसके बाद जो बाकी के 50% है उसके लिए एग्जाम लेगा और आपका ये एग्जाम 100 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और उसका 50% आपका ऐड करेगा मेरिट लिस्ट में। मान लीजिए 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप जितना भी नंबर लगेगा उसका 50% ऐड होगा मेरिट लिस्ट में। मान लीजिए आप एग्जाम में 90 नंबर लाए हैं तो 90 नंबर का 50% कर लीजिए तो 45 नंबर आपका ऐड होगा मेरिट लिस्ट में। तो इस तरह से आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, CITS है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तीनों मिलाकर आपके मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जिसके तहत आपकी बहाली होगी और जो उसके ऊपर वाले पोस्ट है फोरमैन का, वो प्रमोशन से भरा जाएगा, जिसमें 25% बीटेक डिप्लोमा वालों को भरा जाएगा जिनका 5 साल सर्विस हो जाएगा और बाकी के 75% सीटें उन लोगों से भरा जाएगा जो ITI किए हुए हैं और उनको 10 साल सर्विस करते हुए हो गया होगा, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं फोरमैन के लिए। तो ये रहा नियमावली, इसमें कौन कौन से पोस्टों पे बहाली आएगी, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है पोस्ट का नाम, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे लाइन से नाम दिया गया है, समझ सकते हैं आप। नियमावली तो बनाया जा रहा है लेकिन नियमावली में बहुत सारी कमियाँ हैं, कमियों को सरकार को अवगत कराने के लिए वहाँ पे एक संगठन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ, इनके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, विक्रम सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अर्चना मिश्रा महामंत्री हैं और संजय कुमार वर्मा कोषाध्यक्ष हैं। इन लोगों का जो संगठन है, इनके तरफ से आवाज़ उठाई गई है कि इसमें जो नियमावली में जो चीज़ें लिखी गई है वो बच्चों के हित में नहीं है, CITS करने वालों के हित में नहीं है। इन लोगों का स्पष्ट मांग है कि CITS को 100% लागू किया जाए, जो कि ये होना चाहिए, DGT का भी नॉर्म्स है कि CITS को 100% लागू करना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों ने सुझाव दिया है कि जो फोरमैन का जो बहाली है उसमें भी आप प्रमोशन ना करके बहाली निकालिए, क्योंकि वहाँ भी बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और हर जगह जो फोरमैन की बहाली होती है रिक्रूटमेंट बेस पे होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रमोशन लिखा गया, इनका भी इस चीज़ का भी विरोध इन लोगों ने किया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र इन लोगों ने किया है इसमें, तो मेरे समझ से मैं पढ़ा इसे तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने गाइडलाइन दिया है। तो हो सकता है ये लेटर के जब उन लोगों के पास पहुँचेगा, अधिकारियों के पास जो नियमावली को बना रहे हैं, तो वो कुछ बदलाव करेंगे, तो जो फिलहाल अभी जो नियमावली बना है तो उसको हम लोग 100% ये नहीं मान सकते कि वही आने वाला है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आने वाला है, तो दोनों हो सकता है। बाकी संघ के लोग बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि अगर इनके लिखे हुए बातों को अगर अमल किया जाए तो CITS को काफ़ी फायदा मिलेगा और जो अनुदेशक बहाली का इंतजार कर रहे हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगा इन लोगों के जो विचार है, सुझाव है उसके अनुसार। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।